बुराड़ी सब डिवीजन में कुछ एमवी थेफ्ट हुई थी, कुछ मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी, जिनके पीछे बुराड़ी की टीम की क्रैक टीम और बुराड़ी पुलिस स्टेशन की स्पेशलाइज्ड टीम लगी हुई थी। ये मोटरसाइकिल्स जो चोरी हो रही थी ये रैंडम तरीके से चोरी हो रही थी, कोई एक इनमें ऐसा नहीं था कि कोई एक सीक्वेंस बन रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर तरीके से चोरी हो, लेकिन फिर भी टीम्स ने जो भी मोटरसाइकिल चोरी हुई उनकी सीसीटीवी फुटेजेस निकाल के ये कनेक्ट किया कि दो जने इनको चोरी कर रहे हैं। इन दोनों जनों को सीसीटीवी की मदद से आगे देखा गया और इनको आइडेंटिफाई किया गया और इन दोनों जनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके अरेस्ट के साथ साथ इनके यहाँ से 7 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी की स्कूटी, टोटल 8 टू व्हीलर्स मिले हैं। और ये वारदात वजीराबाद, बुराड़ी, लसवादेरी, फूलपुर, इन सारे इलाकों में एक साथ कर रहे थे। ये जो स्कूटीज हैं इनसे ये स्नैचिंग भी करते थे, क्योंकि इनके ऊपर पहले स्नैचिंग के मुकदमे भी हैं। और साथ ही साथ अभी इंफॉर्मेशन जारी है, बट इन्होंने इन स्कूटीज को स्क्रैप में भी बेचा है, जिसके ऊपर अभी टीम से लगी हुई है। टोटल जो 8 टू व्हीलर्स मिले हैं वो कुछ बुराड़ी से चोरी है, मॉडल टाउन से चोरी है, जामा मस्जिद से चोरी है, मौर्य एनक्लेव से चोरी है, तिमारपुर से चोरी है और समयपुर बादली से चोरी है। तो इन्होंने काफी इलाकों में ये एमवी थेफ्ट कर रहे थे दोनों मिलके, जिनको बस्ट किया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है। दो जने जिनको अरेस्ट किया गया है उनमें से एक उपेंद्र जयपाल एलियस कालिया है, ये मुकुंदपुर में रहता है और उसके ऊपर पहले से 3 स्नैचिंग के केस दर्ज है। जो दूसरा अरेस्ट किया गया है अरुण तिवारी, ये भी मुकुंदपुर में रहता है और इसके ऊपर भी 3 स्नैचिंग और मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस दर्ज हैं निजामुद्दीन और सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन।